हेलो एवरीवन, ये हमारा कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने एथिक्स के बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा हमने फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में चर्चा की थी, मोलैरिटी लॉ और एथिक्स के बीच में डिफरेंस भी बताया था। इसके साथ साथ हमने जो है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल का पहला जो पॉइंट है वो क्लियर किया था। जो अपना हमारा पॉइंट था फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, और उसके अंतर्गत स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज और सारी चीज़ें हमने बताई थी। अब इस पार्ट में हम बाकी के रिमेनिंग थिंग्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड जो पॉइंट है इसमें आ जाता है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, यानी उसके ट्रेड से उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्राइस स्ट्रक्चर, यानी जो कस्टमर से उसको प्राइस चार्ज करना है, जो कस्टमर से प्राइस चार्ज लेना है वो, यानी मेडिसिन्स का जो प्राइस उसको कस्टमर से लेना है वो फेयर होना चाहिए। साथ ही साथ फेयर होना चाहिए का मतलब, मान लीजिए मेडिसिन 5 रुपए में हम किसी को प्रोवाइड करवा सकते हैं तो उसको 5 रुपए में ही प्रोवाइड करा है, ये नहीं कि उसको 10 रुपीज में मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो गलत चीज़ हो जाएगी, वो अनएथिकल हो जाएगा। यहाँ एथिक्स का ध्यान रखना है। साथ ही साथ उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी रखनी है, या ध्यान ये भी देना है कि जो लेबर चार्जेस लगे हैं, जो रिक्वायर्ड स्किल लगी है उस ड्रग को बनाने की, उसका उसको भी प्राइस में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि फार्मासिस्ट को किसी तरह से नुकसान भी ना हो। तो फार्मासिस्ट को अपना नॉलेज, अपने स्किल और अपना टाइम यहाँ पे देना पड़ता है एक मेडिसिन बनाने के लिए। उसी दौरान यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि खरीदार से वो एक्स्ट्रा टैक्स ना वसूले। जितना टैक्स जरूरी है, जितना टैक्स चाहिए वो उतना टैक्स ही वो कस्टमर से वसूले। दूसरा पॉइंट आता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी जो ट्रेडिंग करेगा वो मेडिसिन्स की वो फेयर होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे साथ हम कोई बिजनेस कर रहे हैं अगर मेडिसिन्स का, तो हमारे साथी भी उस फील्ड में है तो हमको ये नहीं करना है कि कंपटीशन के लिए हम उन पूरा उनका बिजनेस ही कैप्चर कर लें। नहीं, दैट इज नॉट द एथिक्स। हमको भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा एज अ फार्मासिस्ट। तो कोई भी फार्मासिस्ट जो है दूसरे का बिजनेस कैप्चर ना करे। दूसरे का बिजनेस कैप्चर कैसे कर सकता है वो, कि भाई वो कस्टमर्स को लो प्राइस ऑफर करे, गिफ्ट ऑफर करे कि भाई आपको ये मेडिसिन आप लेंगे तो आपको हम ये गिफ्ट देंगे। तो इस तरह की अगर चीजें वो करेगा तो वो जो साथी शॉपकीपर है, जो साथी फार्मासिस्ट है, उसकी शॉप, उसका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रिस्क्रिप्शन या जो ऑर्डर उसको मिला है वो, अगर किसी डिस्पेंसरी को कोई ऑर्डर मिला है तो वो उसी डिस्पेंसरी को के थ्रू जो भी कंज्यूमर है उसको प्रदान किया जाए।
यदि बाय मिस्टेक हमारे पास आ भी गया है उसको, तो हम उसी को हैंड ओवर कर दें जिसके लिए वो था। ये मोरलिटी है, ये एथिक्स है। बाय मिस्टेक अगर हमारे पास आ गया है तो हम उसको, उस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज भी कर सकते हैं कि भाई नहीं, ये उस दूसरे शॉपकीपर का ऑर्डर है, कृपया उन्हीं से लें। इस तरह से कस्टमर को सही जगह पर भेजा जा सकता है। जितने भी ट्रेडमार्क्स रहेंगे, लेबल्स रहेंगे या दूसरे साइंस रहेंगे, सिंबल्स रहेंगे, वो दूसरे के साइन से मैच नहीं करने चाहिए, अलग डिफरेंट होना चाहिए वो, ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए और जो कंज्यूमर, जो कस्टमर है वो कंफ्यूज ना हो। तो ये जो है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होंगी। अगला पॉइंट रहेगा परचेस ऑफ ड्रग्स, यानी मेडिसिन्स का परचेस। तो जो भी दवाइयाँ, जो भी मेडिसिन्स, जो भी ड्रग्स परचेस की जाए वो जेन्युइन होना चाहिए, रेप्यूटेटेड सोर्स से उसको परचेस किया जाना चाहिए। और फार्मासिस्ट को उस ड्रग में कुछ भी अलग से, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना चाहिए। हॉकिंग ऑफ ड्रग्स, सेल्फ सर्विस मेथड जो होती है फार्मासिस्ट को, फार्मेसी को ऑपरेट करने की सेल्फ सर्विस मेथड जो होती है, या ड्रग स्टोर जो होते हैं, वो इस प्रैक्टिस के अंदर नहीं आते हैं। यानी वो थेरापेटिक सब्सटेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जब तक कि कोई एक्सपर्ट उसको, या कोई डॉक्टर जो है उसको प्रिस्क्राइब ना करें कि भाई आपको ये, या जो सुपरविजन है किसी का है, यदि उस पर एक्सपर्ट का, जब तक वो ना गए तब तक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो सेल्फ मेडिकेशन जो रहती है वो अनडिजायरेबल थिंग्स होती हैं, यानी खुद से मेडिकेशन आप नहीं कर सकते। फिर आता है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्लेज। कोई भी डिस्प्ले मटेरियल प्रीमाइसिस के अंदर नहीं होना चाहिए, प्रेस में या कहीं और भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए फार्मासिस्ट के द्वारा। कि मेडिकल मेडिसिन या मेडिकल अप्लायंस जो है वो सेल्स किए जा रहे हैं, क्योंकि ये रिकमेंड किए जाते हैं, ये डायरेक्ट हम सेल नहीं कर पाएंगे। रिफंड, मनी रिफंड के बारे में कोई ऑफर नहीं देना चाहिए। किसी तरह के क्लेम के मिस लीडिंग स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। किसी भी बीमारी को क्योर करने का दावा नहीं करना चाहिए। किसी भी दवा की गारंटी नहीं देनी चाहिए। यानी लोगों में, पीपल्स में भय का माहौल उत्पन्न नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को लेके। फिर अगला पॉइंट आता है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। ये सारा हम एथिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के अंदर। तो अगला पॉइंट आता है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। इसके अंदर साथी फार्मासिस्ट की हेल्प के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए जब भी इमरजेंसी हो।
अपने प्रोफेशन में हमेशा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, करप्शन जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए, और इसके बारे में सोसाइटी को अवेयर भी करना चाहिए। यदि इनकी कंपनी में कोई इन्हीं का कोई व्यक्ति कुछ गलती कर रहा हो तो उसको सबके नोटिस में लाना चाहिए बजाय उस गलती को छुपाने के। इन्हें अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ये अपडेटेड होना चाहिए कि रिसेंट में क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, सारी चीजें। इनको अपने प्रोफेशंस के लॉज का, यानी अपने प्रोफेशन के कानून का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारा जो है प्रोफेशन से रिलेटेड है। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, यदि फार्मासिस्ट मेडिकल प्रोफेशन से रिलेट कर रहा है तब प्रोफेशनल एक्टिविटीज की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। यानी पहली तो यही है कि वो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकता फार्मासिस्ट जो है किसी भी सरकमटांसेस में, या किसी भी दवा के बारे में नहीं बता सकता कि ये डायग्नोज करती है या किसी बीमारी के बारे में बताती है, किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता वो। बस इमरजेंसी की सिचुएशन में वो फर्स्ट एड दे सकता है किसी पेशेंट को। इवन वो किसी मेडिकल प्रैक्टिस जो कर रहे हैं डॉक्टर, उनको भी रिकमेंड नहीं कर सकता पेशेंट्स को कि भाई आप इस डॉक्टर के पास जाइए, ये भी अनएथिकल होगा। फार्मासिस्ट को कोई भी सीक्रेट अरेंजमेंट नहीं करना है, या फिजिशियन से डॉक्टर से किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर को कोई तरह का प्रलोभन दे दिया, कुछ ऑफर दे दिया, या कोई दूसरे एडवांटेज दे दिए, इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। फार्मासिस्ट को लोगों और अपने प्रोफेशन के बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए कि भाई फार्मेसी में मॉडर्न डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस उसको करनी चाहिए, और ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहे हैं इनके लिए उनको रेगुलर बुक्स रीडिंग करनी चाहिए, मैगजीन पढ़नी चाहिए ताकि वो अपने आप को अपडेट रखें और जो पीपल्स हैं उनके साथ सही तरीके से कम्युनिकेट कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ये पार्ट सेकंड था, पार्ट फर्स्ट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक डाली गई है, उसको क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।